औरंगाबाद से चुनरी ले आदा, पूजन करा दा हे राजाओ, कि तोड़ दे हब गोरी तोर गुमान के है बेटा बाबूआन के ना। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। आज मेरे साथ हैं सुपरस्टार मगह के रहने वाले, औरंगाबाद जिला के हैं, जो एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है रेणु बीघा, वहीं के रहने वाले ये निवासी हैं। तो दोस्तों, मैं इनके घर पर आया हूं और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि निरंजन विद्यार्थी जी, जो बहुत ही अच्छे मगह के सुपरस्टार सिंगर हैं दोस्तों। तो सबको नमस्कार प्रणाम, और मेरे भाई के चैनल के जरिए जितना भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और भाई का यूट्यूब चैनल है, उसको खूब आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब प्यार दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा यहाँ पर एक पहला सवाल है। तो निरंजन जी, सबसे पहले आप ये चीज बताइए कि आपने गाने का जो सिलसिला है, यानी आप बचपन से कर रहे हैं या फिर बीच में आप स्टार्टिंग किए हैं जो बड़े बड़े सिंगर को देखकर? मैं तो बचपन से ही गाना गा रहा हूँ और 2006 से मैं इस लाइन में हूँ, जी। लेकिन जो मेरा फर्स्ट कैसेट आया है वो 2011 में आया है। एल्बम का नाम था लव की लस्सी। उससे पहले भी एक दो कैसेट आया था कल्लू जी के साथ में। एक कल्लू जी का एक होली आया था, हाई फाई होली, जिसमें मेरा डायलॉग आया था। एक कल्पना जी का होली था, लगाए दी होलिया में, वो कैसेट का नाम था, उसमें मेरा डायलॉग था। लेकिन जो पर्सनल जो मेरा कैसेट आया था वो 2011 में आया था, एल्बम का नाम था लव की लस्सी। अच्छा, 2011 में आप ये आपका फर्स्ट एल्बम आया फर्स्ट था। एल्बम आया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको जब आप सिंगर में आए, जब भोजपुरी गाने को गाने लगे आप, तो क्या आपके माता और पिता हो गए, चाहे भाई बहन हो गए या घर के लोग हो गए, आपके क्या आपको सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे उस समय? उस समय सब लोगों का सपोर्ट मेरे ऊपर खूब रहा है, लेकिन थोड़ा पैसे का दिक्कत था शुरू में। फर्स्ट जो मेरा जर्नी था तो पैसे का बहुत काफी ज्यादा दिक्कत था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके, जैसे मैं क्या कि मेरे पापा किसान हैं अच्छा, और कोई मेरे घर के परिवार कोई भी नौकरी वाला नहीं था। हम लोग का जो पढ़ाई भी हुआ है तो सरकारी स्कूल से भी शिक्षा हुआ है। हम लोग का जो जो भी पढ़े लिखे हैं हम लोग भाई बहन, तो सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। और मेरा भैया बहुत ही कम एज में चले गए थे वहां दमनदीप गुजरात में कमाने। अच्छा, तो एक भाई ही थे कि अपना पैसा जो भी है कमाते थे, और किसी न किसी वजह से पैसा कोई इकट्ठा करके फिर मेरा एल्बम निकाला गया वेब कंपनी के माध्यम से। अच्छा, लेकिन उस समय पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया था, तो फिर मेरा 3 साल का गैपिंग हो गया। फिर और स्टेज शो हम करने लगे। स्टेज शो करने के साथ साथ पैसा जो इकट्ठा हुआ, तो 2013 या 14 में मेरा एक गाना आया था, मेरे मामा जी लिखे थे, गोविंद विद्यार्थी जी उस गाने को लिखे थे। गाना काफी फिर सुपर डुपर हिट हुआ था, रमेश चौक ब्लॉक भीलवा से भी पहले, 2014 का बात है। उसमें अपने जिला में सबसे, अपने जिला के ऊपर जो सबसे पहला जो गाना होता है, मैंने ही गाया था। औरंगाबाद जिला को लेके टारगेट किया था, जिसमें ओबरा का नाम था, देव का नाम था, मदनपुर, शिवगंज रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, दिल्ली में बना जी, दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ था। औरंगाबाद से चुनरी ले आता, पूजन करा दे रजेऊ। अच्छा, लोग का काफी प्यार दुलार। दुर्गा पूजा में सब जगह जहां भी हम जा रहे थे तहां देख रहे थे कि मेरा ही गाना बज रहा था। उस समय आपको बहुत ही खुशी महसूस होता होगा। अरे, मेरे 2011 के बाद वो मेरा पहला जो सीढ़ी था, जैसे मैं उतना पैसा लगाने के बावजूद, एक होता है ना पब्लिक का जो मन हो जाता है, छोटा हो जाता है। हम लोग बहुत ही मतलब ज्यादा पैसा कौड़ी वाला फैमिली से तो मैं बिलोंग करता नहीं था। अच्छा, उस समय जो भी करना रहता था भैया ही करते थे। अच्छा, ठीक है। तो आपके जो बड़े भैया हैं वही आपको कोऑपरेट किए, मतलब आपको बढ़ाए? बहुत कोऑपरेट किए, और आज भी कर रहे हैं? आज भी करते हैं। और उसके बाद आप पे टोटल कितने भाई हैं? दो भाई हैं। तो एक आप हो गए, एक बड़े वाले भैया? हाँ, बड़े भैया हो गए। और उसके बाद एक बहन है? नहीं, बहन 5 थी मेरी। अच्छा, 5 बहन थी? 5 बहन, जिसमें 4 बहन का शादी हो चुका है। अच्छा, और एक बहन अभी बची हुई है।
यार देखिए सोचिए कि सबसे बड़ा तो यही मुद्दा होता है कि पांच बहन को यानी चार बहन को शादी करना, ये गरीब घर के लोग कैसे, और साथ में ये सिंगर बनना। आपको पता है कि सिंगर बनना बहुत ही कठोर होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत जगह दौड़ने पड़ते हैं, पैसे खर्च होने के साथ में गाना हिट होता है कि नहीं होता है ये भी प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेट जरूर कीजिए, क्योंकि कोऑपरेट अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। जो बेचारे 2011 से लगे हुए हैं आप उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप लोग सुपरस्टार लोगों को ही कोऑपरेट करते हैं, जो गरीब घर के लड़का रहता है उसको कोऑपरेट आप नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या ये गाने में कमजोर है लड़का या गाने नहीं आता है? आप आवाज से भी जान सकते हैं, इनके बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ही अब हिट किया है, तो कम से कम कोऑपरेट कीजिए दोस्त। हमने तो पवन सिंह को स्टार बना दिया, खेसारी लाल को स्टार बना दिया, मगर हमारे जो कुछ ऐसे जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिनको हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, बड़े स्टार के पीछे जाते हैं, ऐसा मत करो यार। बड़े स्टार को तो उसको भी स्टार आप ही लोग ने बनाया है, तो इनके ऊपर भी कुछ कर दीजिए। और मैं इस फैमिली में जब आया हूं तो मुझे बहुत ही प्यार मिला है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट सभी स्टार से मैं आपको मिलवा दूं दोस्तों। उसके बाद देखिए आपने काफी, आपकी माँ से भी हमने मिला तो माँ भी आपको बहुत ही प्यार दिए दुलार। अच्छा आपका जो मामा जो है गोविंद विद्यार्थी जी, तो वो भी आपको तो हेल्प बहुत किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, लेकिन एक होता है ना मतलब उस टाइप से थोड़ा सा ये करना, तो अगर वो चाहते तो और भी कुछ हो सकता था, लेकिन सपोर्ट किए हैं। बहुत सारा आज गाना भी बजा है तो उन्हीं का लिखा हुआ गाना बजा है और काफी सपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, मैंने इनके बोलने का अंदाज को मैं समझ चुका हूँ दोस्तों, जिनके मामा इतने अच्छे राइटर हैं जो दूसरों को पवन सिंह को स्टार बना सकते हैं तो अपने भगिना को भी स्टार बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सच्चाई और गहरी बात बता रहा हूं दोस्तों, मगर होता क्या है कि कुछ लोग अपने ही लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, मगर मैं आपसे विनती करता हूं कि इनको कोऑपरेट आप कीजिए, आने वाले समय में मगा के एक बहुत बड़े स्टार ये होंगे। और मैं बहुत ऐसे जो छोटे छोटे जो कलाकार हैं जो बहुत ही गरीब घर के हैं मैं उनको वीडियो दिखाने वाला हूं इस चैनल पर, और साथ में बहुत सारे फूड के बारे में, बहुत सारे चीजों के मैं बारे में आपको दिखाना चाहता हूं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो माँ भी आपको या पापा भी आपको अब तो कुछ सपोर्ट तो करते ही होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपका, आपने कहा कि चार बहन को शादी करना ये बहुत ही बड़ा टफ होता है, तो मम्मी पापा भी तो अभी, या आप अभी कुछ पैसे आप अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं पैसा अर्न अब कर रहा हूं, लेकिन जो पहला जो मेरा पैदान था जो सीढ़ी था उसमें मेरे फैमिली लोग भी बहुत, मैं तो पहले ही बता दिया कि पैसे वाला नहीं था, जो भी करना था भाई को ही करना था। अच्छा अच्छा। और भैया मेरा काफी सपोर्ट किया। बड़े भैया हैं क्या, उनको आप यहाँ बुलाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। नमस्कार भैया, सबसे पहले कि आपको प्रणाम, क्योंकि आप अपने छोटे भाई को कोऑपरेट करते हैं। आपका क्या नाम हुआ शुभ नाम? निखिल कुमार सिंह नाम हुआ। अच्छा निखिल कुमार सिंह, आपने अभी बहुत ही बड़ाई आपके कर रहे थे कि आपने इस छोटे भाई को बहुत ही कोऑपरेट किए हैं, तो आप तो सूरत में रहते थे तो वहाँ आप मतलब दमन में तो सूरत में ही पड़ता है ना? नहीं वो आगे हो गया, सिलवासा जो दादरा नगर हवेली उसका राजधानी है। अच्छा अच्छा। दादरा नगर हवेली का राजधानी सिलवासा है, वहीं पे जब थे रिलायंस कंपनी थी उसी में कार्यरत थे। तो वहां से फिर अपने कुछ अपने परिवार के लिए और कुछ पैसे इनके लिए इकट्ठा करते थे। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या था कि जैसे थोड़ा गार्जियन का दबाव टाइप का था। अच्छा। और ये अपना जैसे अचल संपत्ति तो थी लेकिन चल संपत्ति ना होने के कारण उसको बचाना मेरा कर्तव्य भी था, क्योंकि गार्जियन तो थे वो भी देखना था, और बहन तो हमसे बड़े थे लेकिन भाई में सबसे बड़े हम थे। अच्छा अच्छा। और सारा लोड जो है एग्जैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ा, तो हमको तो सब सारी चीजों को लेकर चलना था, तो इसलिए फिर हम अपना पढ़ाई खत्म करके और उसके बाद चले गए तो सबको देखना था, छोटा भाई भी था तो बोले कि भाई पढ़ो,
तो इसका रुझान गायकी में ही शुरू से था। तो नाम भी एडमिशन करवाया, लेकिन बोला कि हमको इसमें ही जाना है और जो भी करेंगे इसी से करेंगे, इसी से करेंगे, संगीत से ही करेंगे। तो अभी यहाँ तक है कि अभी पीएचडी भी कर रहा है। अच्छा अच्छा। संगीत से भी और प्लस में अपना सारा चीज है ही कर रहा है। तो शुरुआत में तो होता ही है, जो भी खर्च आया तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा तो करते गए। और इसी तरह से आप अपने परिवार को और साथ में इनको भी कोऑपरेट करते रहे हैं। है ना। तो अभी सुनने में अभी चाची बता रही थी, यानी माँ बता रही थी कि आपके जो इनका शादी होने वाला है। हाँ। तो शादी तो इनका बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। हाँ, तो करना ही पड़ेगा। है ना। तो उसमें बहुत सारे सिंगरों से हम आपको बहुत सारे स्टार से भी मिलवाएंगे। और यहाँ पर आपके पिताजी भी है ना। तो दोस्तों इस तरह से इनके परिवार का सिलसिला चलते रहा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर स्टार अगर बनता है और एक ऊंचे पर जाता है तो एक छोटा ही घर से जाता है, क्योंकि बड़ा घर के लोग तो सुपरस्टार ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो यहां पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिला है इस परिवार को, खास करके ये हमारे बड़े भैया हैं निखिल जी, इनको, क्योंकि पापा के बाद इनको ये बड़ बहन में भी बड़ थे, तो इनको सारा जिम्मेवारी जो मिला तो टूटने लगे हैं और कोई भी उनको कोऑपरेट करने वाला नहीं था। तो मैं आप लोग से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप निरंजन जी को कोऑपरेट करें। अच्छा, आपका जो फेमस जो गाना है थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, सुना दीजिए, कौन सा गाना है आपका जो पूरा हाईलाइटेड था, या कौन गाना अभी आने वाला है? जैसे मैं अभी जो आने वाला जो सॉन्ग है तो उसको तो मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए कि अच्छा कब आने वाला है? ये जनवरी के लास्ट में आ जाएगा। वो मतलब वो लोकगीत है? हाँ, लोकगीत है। उससे पहले जो मेरा सबसे जो पहला जो मेरा सॉन्ग हिट हुआ था और औरंगाबाद जिला को मैंने टारगेट करके जो मैंने गाना गाया था, और अब तो बहुत सारे लोग गाने लगे औरंगाबाद को टारगेट करके। हाँ, सही। देव मदनपुर शिवगंज ओबरा सबको टारगेट करके लोग अब गाने लगे। लेकिन जो सबसे पहला जो सॉन्ग होता है जो मेरा था वो जिला के ऊपर मैं ही गाया हूँ। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए लोग। गाना था 2014 में आया था, गाना था नवरात हो आसुन पंडित जी से पाठ हो, कि आई गई नवरात सुन पंडित जी से पाठ, आस हमरो पूरा दाए राजावो राजावो, कि औरंगाबाद से चुनरी ले आदा पूजन करा दाए राजावो, औरंगाबाद से चुनरी ले आदा पूजन करा दाए राजावो। ये गाना था। और उसके बाद ये देख लीजिए, अच्छा ये तो देवी गीत था ना। हाँ, और लोकगीत में कौन सा फेमस हुआ था आपका? लोकगीत में मेरा एक फेमस हुआ था गाना बेटा भगवान के। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा उसको गुनगुना दीजिए। जैसे मैं, हाँ, अंतरा सिंह प्रियंका और हम दोनों उस गाने को मिलकर गाए थे। अंतरा सिंह प्रियंका का जो सॉन्ग था, जो लाइन था वो बोली थी पहले कि लालाया मिश्र जी सटस न भीरी तो रहिल दूर दूर पहाड़े अगीरी, कि लालाया मिश्र जी सटस न भीरी रहिल दूर दूर पहाड़े अगीरी, तो चली कमर में सिक सर बांध के। उसके बाद मेरा जो लाइन था मैं बोला था कि तोड़ दे हब गोरी तोर गुमान के है बेटा बबुआन के ना, कि तोड़ दे हब गोरी तोर गुमान के है लइका बबुआन के ना। ये गाना था दोस्तों। इतना अच्छा आवाज है कि कहने लायक। आपको इस कैमरे में जो आवाज जो कैद हुआ है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो कोऑपरेट जरूर करें। और एक चीज मैं आपको लास्ट में भी बता दूं कि बड़े भैया ऐसे अगर लोगों को राम मिल जाए, हमने एक राम और खोजा था जो मैं मनु अलविला जी का इंटरव्यू भी आया था, तो वहां सोनू जी थे और यहाँ निखिल जी हैं। तो ऐसे परिवार को जरूर कोऑपरेट करना यार, मैं बार बार बोल रहा हूं। और सभी को नमस्कार।
मेरे छोटे भाई निरंजन विद्यार्थी है, उसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, उसके लिए बारंबार प्रणाम। तो बाय बाय दोस्तों।